और
हमारे खिलाफ ये अपने मुल्क की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें, शाल पेश करें, तशरीफ ला रहे हैं मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब। और इनकी एक सिफत ये भी है कि ये मुख्तार फाजिल भी हैं, यानी अमीरुल उलमा की तरबियत याफ्ता और कैरियर के नाजमी और शिया कॉलेज का जो रिश्ता है वो तालिब इल्म आमिर मुख्तार शिया कॉलेज के हैं जनाब हसन मेहदी मीरपुरी साहब, वो आपकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करेंगे। और
आप और मैं जनाब अमीर साहब की गुलखोशी और शाद खुशी के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इफ्तिताही तकरीर आप जानते हैं।
मर्सिया अरबी से चला, फारसी में पहुंचा, दक्कन में आया, दिल्ली में आया और लखनऊ में अपनी मेराज को पहुंचा। ये पूरा मंजरनामा जिस तरीके से कोई पेश कर सकता है, इफ्तिताह कर सकता है, बस मैं ये चाहूंगा कि इसके बाद में चूंकि अनीसवर कबीर है, इसलिए एक बंद या बंद चलिए बाद में सही, एक गुरबाई हो जाए, इसलिए कि इफ्तिताह हमारे मर्सिया खान और मर्सिया को हजरात भी इफ्तिताह गुरबाई से किया करते थे, इसलिए मैं एक गुरबाई खुदाए सुखन मीर अनीस की और एक गुरबाई खुदाए सुखन मिर्जा दबीर की पेश करके इफ्तिताह के लिए गुजारिश करूंगा आयतुल्लाह अमीनुल्लाह से। मैं एक गुरबाई पेश करता हूँ और ये मुसल आजम ब्लॉक है, यानी नाना के नाम से ये ब्लॉक है और नवासे का जो शायर है वो खुदाए सुखन मीर अनीस है। दोनों को रिश्तों को महफूज रखते हुए गुरबाई पेश करता हूँ। कानून शरीयत का शनासा ऐसा कौसर की तसद्दुक हो वो गिरासा ऐसा, अरे क्यों फख्र से झूमे न रसूले अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। और अब चूंकि ये जो हमारा पुराना शहर है लखनऊ, शिया कॉलेज की एक शाखा खास में है, यानी लखनऊ का दिल बनी हुई है और ये एक शाख जहां सेमिनार कर रहे हैं वो दरिया के इस तरफ है और ये जो गोमती है ये गोया फरात को खराज नजर पेश करती है और कर्बला में फरात के वाकया के किनारे का जो वाकया है वो गोमती के किनारों पे हम पेश करते हैं अनीस मुदबिर के मर्सियों से। तो बीच में एक दरिया है, बिल्कुल वही मंजरनामा जो कर्बला मोहल्ला में है और कर्बला मोहल्ला में भी जो फरात इस वक्त जाहिरीन करते हैं वो आसमतौला और बहु बेगम की जगतों का समरा है, इसीलिए इराक की तारीख में उसका एक नाम नहर आसफिया भी है। ये लखनऊ से करबला का रिश्ता है। अब मैं एक रुबाई खुदाए सुखन मिर्जा सलामत अली दबीर आज उनके खानदान के वारिस भी मौजूद है, खानदान हदीस के भी वारिस मौजूद है, एक रुबाई पेश करूंगा मिर्जा दबीर की और उसके बाद मैं अमीर उलमा से खिताब करूंगा, उनसे इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ ले आए। जाहिर में तो कौसर के तलबगार है, आप मुक्ति से इस बार आए हैं, पूरा लखनऊ शहर आया है, तो पेश कर रहा हूं या सुबह ये भाई जी से। जाहिर में तो कौसर के तलबगार है, जाहिर में तो दरिया के तलबगार है, बातिन में वो कौ बातिन में वो कौसर के तलबगार है, था जाहिर में तो दरिया के तलबगार है, बातिन में वो कौसर के तलबगार है, था बीच में दरियाए शहादत हायल, अरे दो हाथ में इस बात से आ रहे हैं।
आप सदा
आपको उससे तो और थोड़ा अच्छे बताए तैयारी दिन आप शायद वापिस हो या ना हो लक्ष्यों में तैयारी दिन में होगा छोटा सा होगा था उस प्रकार के द्वारा नसीब हो भी जिंदगी में उनकी नशिस्तों में कई बार तो वो कहते हो मामला जिनके 211 नसीब शायद शुदा हो चुके हैं मेरे दोस्त मिर्जा नबी गौरवा मरासी पेश करने वाले शिक्षक के लिए इस्तेमाल करते थे जनाब नसीब अखरोबी 211 मरासी के पेश करने वाले उनकी खिदमत में मेरे रहने का मौका मिला है फिर 11-12 साल से मैं वहां चला गया और वहां कई महीने तक रहने के बाद बिल्कुल कमजोरी में जिन लोगों से बहुत दोस्ती और बहुत ज्यादा बचने की दोस्ती है बड़ा सा मुश्किल हो गया था उस समय जिन हजार से मेरा सब कर रहा हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शोभा प्रबोधक के सरबरा लाल मंजर अमरोगी आदमी शुरू होते हफ्ता हमारे बचपन के दोस्त और साथी जिनके बाद हरा कुछ और बैठे की हमेशा आज भी सारी
इतना बहुत खुशी हो गई यार। जो मैं कमाल रखी साहब और तकबीर जब कभी आदमी है कदर कुमारी साहब उस कराची में नासिर जहाँ जो होकर मशहूर मसीह अल्लाह वाले मदर साहब के लोग खिलाफ थे भैया अपने घर जाकर काम कर लिए हैं नासिर जहाँ ने मुझे बैठ सुनाया वही सुनाते थे लाल बाबा रशीद खाने की मजे में शामिल हो गया उसे और बात अल्लाह रशीद खाने के लिए उसने मैं भतीजे जनाब यासू अब्बास साहब ने मेरे लिए मालूमात को दफा किया है यहाँ शिया कॉलेज के पीपल है अल्लाह रशीद रावी का मुझे सबने में मालूम है कि उनकी मेरे पास लिखी भी है उनके बेटे अकीन रावी ने मुझे जब बताया कि वो नाबिया के बड़े बेटे और नाबिया में शिया कॉलेज और ये जनाब अपने शर्फ हासिल ना जिला कुमार खराब बनती था अगर मैं ये दो नाम लूँ तो काफी न कीजिएगा मेरे अजीज तरी दोस्त बचपन के साथी और भाई फतेह अकबर मिर्जा अमर अतर साहब वो खाली खाली और फतेह नहीं थे बहुत अच्छे शायर भी थे बल्कि मैं यूं कहूँ कि मेरे शेर और शौक की पहली मंजिल अगर कहीं से शुरू होती है तो मिर्जा अतर साहब मेरा चार बताता हूँ कि बहुत नहीं है दूसरा नाम हमारे छोटे भाई मरहूम मिर्जा मोहम्मद अशफाक साहब का अदब उर्दू में और शायद उनका कुछ जवाब था इसी तरह उलामा में मौलाना इबादत साहब और उलामा मौलाना शाकिर साहब और मौलाना इन सब के मुख्तलिफ कलाम हैं जो कलाम मेरे पास मुख्तलिफ लोगों ने मेरे दादा के पास भेजे और मेरे इंतजाम में जरा बात आसिफ साहब के कलाम बहुत से हैं गौरव विभाग के सरबरा खिलाफ सुल्तानी सैफुद्दीन साहब हमेशा तेरह रुपये को सीधा रुपये कहते थे और भेजते थे यहाँ शिकारी से नाम कर रहे काफी मरीज खास रहा पर हूँ इनके बेटे सोनू साहब इनके बारे में अगर कहूँ तो कितना एक अलग बेतरतीब नाम ले रहा हूँ बखार सुल्तानपुरी सुल्तानपुरी साहब फिर यहाँ पर जिनके करीबी थे जनाब कादिम हकीम कादिम रासी उनके अक्षय मुझे याद आ रहा सुना तो हम लोग का थोड़ा है बाबा थोड़ा फिर बदल जाए क्या रीत है क्या मुदर्जी है बहती हुई दुनिया की काजिम क्या रेत है क्या मुदर्जी है बहती हुई दुनिया की काजिम रीत है कि क्या रीत है क्या शायर हैं उनका गौरव बादल है
जनाब असर फराज साहब हैं, इसी तरह तशरीफ फरमाए हैं अदब उर्दू के लिए मेरे नाम और अल्लाह के अशफाक सैफी साहब हमारे जिस मेहमान खसूसी और चेयरमैन हैं कमीशन माइनॉरिटी ईरानी है, ईरानी पैदा और वहीं परवरिश
उसका हर मिसरा बराबर अरकान होता है या चार अरकान से बेहतर बनता है। ये चारों मिसरे मुसलसल होते हैं, चौथा मिसरा रुबाई की चाल होता है। रुबाई के पहले मिसरे और चौथे मिसरे में बराबर जरूरी होता है। यहाँ जो मैंने मिसाल में लिखता हूँ मैं आपके शौक के हवाले करता हूँ, पेश करो। जिब्रील का अल्लाह ने मिसाल में पेश किया रुबाई जिब्रील का अल्लाह है उस्ताद किया, जिब्रील का अल्लाह ने उस्ताद किया और अहमद मुख्तार का दामाद शरीफ हो। मैं इससे पहले कि इसको दुआ करूं हमारे मोहतरम को जाओ जमील का अल्लाह ने उस्ताद किया और अहमद मुख्तार का दामाद किया। इस मुनासिबत से मैं बिल्कुल आखिर में आपके सामने दो बात पेश करूंगा, एक हजरत और एक उसके बाद में कराता हूं। जिब्रील का उस्ताद, जिब्रील का अल्लाह ने उस्ताद किया और अहमद मुख्तार का दामाद किया। जब उसको वसी किया, शबे मरवी मशहूर है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ अफ़्ताह के सिलसिले पर शागिर्द जमा होते हैं तो हौसला हो गया, मरसिया वाला पेश कर रहे हैं, पतन वाले सीधे वाले शमी मरवी साहब का मशहूर जिब्रील का अल्लाह ने उस्ताद किया और अहमद मुख्तार का दामाद किया। जब उसको वसी किया तो अल्लाह ने खुद ताकिया लिखेगा, जब उसको वसी किया तो अल्लाह ने खुद यही पर मुझे याद आ गया कि नकल किया है एक शब्द उनका फोटो आपको देख रहे हैं, सरकार ने मिल्लत उनका फारसी के तथा शेर व शायरी की दिलचस्पी के साथ पेश करो। पैगंबर का वसी बादशाह खुदा रहा हम वली बादशाह, पैगंबर का वसी बादशाह खुदा रहा हम वली बादशाह, अली बादशाह, अली बादशाह कसीमो साथी को सर विलायत सरबसर इमाम सदाए पे हदो पाया इनका तब तहलुक मुख्तर है गुलाबन अकबरे शाह अब्दुल मजीद को पर बता इजारे का मर्सी पर मर्सी ने उनको अगर मैं कहता मर्सी पर मैं बहुत दूर दूर क्यों जाता हूँ जो जवाब आइए इन्हीं की एक नजर आपके सामने अजीम मौलवी की पेश मर्सिया को लिख रहे उर्दू मर्सिया नहीं है जो मजलूमों की दास्तान इशारा कुर्बानी का बयान अब तो सदाकत का तर्जुमान है और जुल्म के खिलाफ मुसलसल एहतजाज का ऐलान है। उर्दू मर्सिये में इसको आगे बयान करूंगा बहुत तमाम को बात उर्दू मर्सिये में हमने इलाही भी है नाते मुसर आजम भी है जिक्र अंबिया भी है दुआया मजामी आयत कुरानी की जानिब इशारे भी हैं तफसीर कुरानी से इस्तेफादा भी अहादीस रसूल मक़बूल के हैं अक़वाल उलमा को बरकात दीन भी हैं रबीन अली समेत का रबीन ने इसमें काम किया है जो नाम के तारुफ हो रहा है कि मर्सिया हमारा क्या है मर्सिया के तबक ये बात तमाम दाव मर्सिया
करता से मैं खुद लिखता हूँ, लेकिन मैं करता से पहले बड़े कीमत दीजिए समझी मसीहा करता से समागम और आगे पिछले पर और लौट गए दर्द कर पर बगिया और दुनिया में नहीं मसीहा करता से समागम और आगे पिछले पर और लौ हे दर्द कर पर आंसुओं के आंखों के कलम से आंसुओं की तहरीर करना आंखों के कलम से आंसुओं की तहरीर करना में आंसुओं की जबान सुनने वाला ही मसीह का एहसास हासिल कर सकता है। आंसुओं का शोधा कर रहा है
इसी तरह मसीहा करबला के वादे के 20 साल के बाद इमाम अबू हनीफा आते हैं दुनिया में, 32 साल के बाद इमाम मालिक, 90 साल के बाद इमाम शाफी, 104 साल के बाद इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल बिन हंबल। करबला के वादे से सिर्फ 90 साल के बाद अरबी में उसको ज्ञान केंद्रों के लिए मुकाबला जम के इजाज में मरसिया का है। अल्लाह शाफी ने इमाम शाफी ने उस वक्त इब्तिदा की, मेरे नबी की इब्तिदा की, जैसे और भी है लेकिन आम जिंदगी में जिन्होंने इमाम हुसैन के लिए मरसिया था उसके ये चंद शेख सुरेंद्र मैंने मुगल नगर का लेकिन मेरे हुसैन ने रिसाला था मैं बाद हुसैन की तरफ से पैगाम पहुंचा रहा हूं इमाम शाफी के वही तरह तुम्हारा मुसलमान मौजूद हो अगर से बहुत से नफूस और बहुत से दिलों के इतरा लगे मैं तजुबा करता रहा कतीर बिला जुर्बिन कदन न कभी सो सेब कुल बिन माए तुम जुआ रजी वो ऐसा मकदूम है ऐसा शहीद है बगैर किसी जुर्म के शहीद किया गया था और जैसे उनकी कमीज उनका कुर्ता उनका लिबास खून से रंगीन है शाफी के इमाम शाफी मसीह इमाम हुसैन का जब जरा दिन दुनिया आया है मोहम्मद है दुनिया मसाए के आने को मत देख जलजले में वक्कादत तो शब्द जिवाद नजूब और ऐसा लगता है कि पहाड़ों की चोटियां पकड़ रहे हैं अल्लाह के साथ हम शुफाए यौमा हश्री व मौकफी वक्तहुम लिशाफी यजरू यहाँ पर जब मैं खड़ा होना मैशर के मैदान में तो सब कोई मेरी शिफात करेंगे और उनका बहुत शाफी के लिए गुनाह मसीहा अरबी में 1400 वर्ष पेश कर तकरीबन मसीहा और मदद में और उर्दू अदब में जो भी सिर में शायरी हो लेकिन हम इतना कहेंगे कि मीर अली और मिर्जा तबीर के खिदमत की बहुत बड़ी बात थी کرتی اور یہ مطلب کیا ہے تو میں اپنی بات خدا دو دن ممتاز خلیل ممتاز وہ خلیل
इब्राहिम मुमताज को खलील रसूलुल्लाह ने दी में है काशिफ है लो खुश ये ज्यादा है थी मेरा नहीं फरमा रहा अपने किया अता अता अपने किया अता अब अता हर अता किसे अपने किया अता अता हर अता किसे हासिल हुआ है मतलब है ना कौनैन में मिला शर्म इन हवा से कहती है अल्लाह बादशाह है मुल्तफा दुनिया में कौन मुंतजिम है कायनात में दुनिया में कौन मुंतजिम है कायनात है किसको कहा खुदा ने किसको कहा खुदा ने कहा ये इसने किसको कहा खुदा ने ये मेरा किसको कहा खुदा ने कि ये मेरा हाथ है अल्लाह ने कहा कि बस मैं आपको पकड़ लिया और मुश्रिकी के इस वन के खुदा के सिले में मैं आपको कुछ कह रहा था सुबह तक नहीं कुछ कर सकूँ अल्लाह के नाम कह के वो मेरे को अगर बात है जो दिल की बात का भी आप लोगों से जरा कुछ फरमाए और मैंने ये नाम लिए मुझे शर्फ है कि उनकी खिदमत में रहकर उनके सामने बैठ कर उनकी खिलाफ सुना उनके मैंने नाम लिए जिनको है मंजर से मंजर कैसे पैदा किए जाते हैं इस्तेआरे में इस्तेआरा कैसे लाया जाता है
राहत में राहत कैसे बनाई जाती है ये मालूम करने की क्षमता आपको बता रहे थे। मैंने कहा बाहर के तलवारियां न समझ लें कि वो पूछ रहे हैं, लेकिन वो पूछ के बता रहे थे कि देखो भैया लफ्ज लफ्ज कैसे पैदा किया जाता है, यानी वीक में रेत का मजा कैसे आता है और रेत में वीक का मजा कैसे आता है, छाल में खाल का मजा कैसे आता है और खाल में छाल का मजा कैसे आता है, वो ये बता रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ये बात वाजे हो जाए कि वो इसका मतलब पता पता कोई तालिबे इल्म ये ना समझ ले कि वो ये कह रहे हैं। वो कैसे जोर दे रहे थे कि देखिए जो असातिज़ा होते हैं वो कैसे बात पैदा करते हैं, और ये भी मालूम है ऐसे आसान आसानी से नहीं आती। बुजुर्ग खानदान रिसालत हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम की शागिर्दी से हमारे ये बुजुर्ग जो इस मंजिल पे हैं, जब आप दीवाना होते हैं तो तालिब अशबाब में देखिए अदब का कितना बड़ा सदका है। उनका जो कसीदा है कसीदा लाठियां पहला वाला कट दिया भाई, ये माइक बंद कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
شام نظامت کے واسطے ہو مخالف ہونے کے واسطے ہو یاد کی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے وقت کے اندر پروگرام کو ان شاء اللہ اختتام تک لے جانا ہے اور اس کے بعد نظر مغلا کرنی احتمال جناب صدر محترم سرکار امیر العلماء عبداللہ امن محترم محمود حسن صاحب عبداللہ صدر مجلس علماء کیا غالب حجت الاسلام علی جناب مولانا سید سائن الدین حبیب صاحب صدر عالمیہ شیعہ مسئلہ بورڈ جناب اشفاق سیفی صاحب چیئرمین مائنورٹی کمیشن جناب سید اقر سبیل لیدی اور سورت بھائی چیئرمین فخر الدین علی احمد کمیٹی جناب عباس ابوتا شمسی صاحب مینیجر شیعہ پی ٹی کالج جناب امیر علی رضا صاحب جوائنٹ سیکرٹری بورڈ آف ٹرسٹیز اور اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران اور تمام اساتذہ میں بہت لمبی چوڑی تقریر کے واسطے اس وقت حاضر نہیں ہوں کیونکہ آئے ہوئے مہمانوں کو دور دور سے آئے ہوئے مرثیے کے شوقین حضرات سننا چاہتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں محترم مولانا اشفاق صاحب نے جو میز کی صدی بنائی ہوئی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا اس سے بات کا آغاز کرتا ہوں اور بابا نے دلے صاف کیے کوثر تھے امیز اور بابا نے دلے صاف کیے کوثر تھے امیز امت کے ستم دیکھ کے شدت تھے امیز امت کے ستم دیکھ کے شدت تھے امیز اور عاشور کے روز سبت پیغمبر کے لاکھوں تھے عبور اور محتم تھے امیر حضور کے روز سبت پیغمبر کے لاکھوں تھے عبور اور محتم تھے امیر میں تمہیں بات بالکل نہیں ہے اور میں نے بہت کچھ کیا ہے یہ دیکھیے اتنا لمبا لکھتا ہے سب مجھے اپنے آپ کے میر عزیز کے لیے خدا حسین علیہ السلام کو روبے آجور رسلے آجور ہے اور سرکار گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے آپ سوچئے وہ منظر یاد کیجئے کہ آجور کا رول ہے اور امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر دسویں محرم سن 6 ہجری کو گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے میرے نبی کہتے ہیں سینکڑوں دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پہلے سے سوئے فرش گر پڑا آپ اہتمام دیکھیے کہ کوئی نہیں گر پڑا نہیں اہتمام کرتے میرے نبی کہ امام حسین علیہ السلام کو کھولے سے زمین پر لانا تو اس کے لیے میر حنیف جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن لہلے بھی سے سوئے فرش کی اوپر دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش کی اوپر یہ ہے مرزا تبیر کیونکہ یہ میر حنیف اور مرزا تبیر اردو ادب میں میر امیر اور مرزا تبیر کے خدمات کے اوپر یہ نیشنل سیمینار اردو ڈپارٹمنٹ کی اکادمی کی جانب سے آج منعقد کیا جا رہا ہے ان شاء اللہ بہت جلدی ہم میر امیر اور مرزا تبیر کے مقبرے کے اوپر ان شاء اللہ مسالمہ کا بھی اہتمام کریں گے اور اس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد کریں گے مرزا تبیر کو سنیں کس شیر کی آمد ہے کہ رب کام رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رب کام رہا ہے
साहब ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जिम्मेदार में मेरे हवाले किए, क्योंकि आज ये तस्वीर पूरी दुनिया में लाइव हो रही है, यह प्रोग्राम पूरा लाइव हो रहा है। लिहाजा मैं दो मिनट के अंदर, दो से तीन मिनट के अंदर, क्योंकि मैं अपने आयोजन मेहमानों को भी चाहता हूं, लोगों को भी वक्त दिया जा रहा है, लिहाजा मैं बहुत मुख्तसर आपको बता चाहता हूं। एक सवाल के लिए मोहम्मद राहुल मस्त कराई जाती है तलबा को, इसलिए कि मौलाना अली से बड़ा कोई फैसला
کی تاریخ بھی ہے، لہذا آپ ایک دفعہ وقت نکال کے ضرور جائیے۔ جو مولانا کائنات نے کہا ہے کہ جو کانوں سے سنو اس پر یقین نہ کرو، جو آنکھوں سے دیکھو اس پر یقین کرو۔ لہذا مولانا کائنات کی اس جو حضرت کا حکم ہے، کم سے کم آپ اس کو پر عمل کیجیے اور آپ اس بارے میں ضرور آئیے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ ہے تو آپ آگے ضرور ہم سے دریافت کیجیے۔ بہت شکریہ مولانا کاکر صاحب اور اس نے ہمارے ہر ساتھ بھی دیکھتے ہیں کس گوشے میں کس آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کے بہت تعریفیں۔ تہذیب کا مینار بنا چاہتے ہیں، اخلاق کا مینار بنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حسن عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے دو منٹ میں جو خدمات دیکھی ہے ایسے ہی ہیں، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں۔ اور یہی تاریخ جو شکایت تھی مرثیے لکھے، نبوت کے رشتے داروں کے پاس لکھے،
यह आरबी अदब की ताकीद है और आरबी अदब मैं ये कहूंगा कि सब लोग गाइस में भी ये किताब लेके आप पहुंच गई है ये है हकीकतुल उम्मत अनवर और इसे हमारे अकबर नकवी साहब के जानशीन तौर पर है इसका मतलब तब किया है अनीस उदवीर नंबर है मैं तमाम गाइस के मेहमान को और ये किताब उम्मा हो जाए आपका सवाब है ये बहुत बड़ा आप ये विषय सुनवाई करते हैं और उसके बाद सरकार के लिए जाती है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नारे को तलब किया तस्वीर कैमरे में महफूज हुई आप देखिए कि इतने वक्त में ये सब जमा कर रहे हैं ना ये मजामीन जो आए हैं ये बहुत शाहकार मजामीन है बहुत अहम जो खास करके इस मौके पर लिखवाए गए हैं ये इंशाल्लाह आप लोग सकेंगे तो बहुत अहमियत आप जनाब अब्बास हुसैन साहब
आज वो मैं उनको की तरफ से वतन में मेरा नीश और मेरा बिजली के खिदमान सेमिनार की शिकायत कर रहे हमारे शिया पसंदा लोग सब शिया क्या हो गया प्रतीश या कॉलेज हो गया प्रतीश के सब प्रोफेसर के बीच में मनीषा वर्मा के एनर्जी पक्के मिले के नाम हमारे बीच में शिया पसंदा बोल के सब आनी जगह साहब आता है मसिया हमारे वो और मुझे हाथ मिला
दिल्ली कलमी साहिबी मेराज मिला मिंबर पे नशिब सर पे हजरत का नाम अब चाहिए क्या तब मिला ताज मिला ये उनका करता है कि भाई की कबर के बारे में एक को मैं जब शेख ना हूँ तुम्हारे हल्का बबूसों में हम भी हैं साहब पढ़ा रहे ये सुहन कान ने सुहन की तरह और क्या ने खातिरे या बाप जाती है या तब अनीस खेत न लग जाए यार पढ़े दूर न को देख कर हसनों को प्यारे सन के सानी है बात ये तमाम मुश्किल किसानी माही तेरा होने का बात हवा के रोए जो तो ना चलेगा ये तमाम चीजें लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैं कभी कभी मर्सिया पा लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक तो बन भी सुना और मस्जिद के सबसे बड़ी खास बात यह है कि अनीस और रफीक साहब ने जितने भी लोग थे उसमें चादर पर घोड़े की तारीफ और तलवार की तारीफ करी अब घोड़े की तारीफ में जब कर्बला में काम कर रहे शायद हुआ सुनिए मरकब कदम जमीन पे लगता हर गांव से मरकब कदम जमीन पे लगता हर गांव से बिजली को खाओ क्या है नशे वो फरार से और चार आदमियों दिखाता था इस इंतजार से उड़ता था पर सदा नहीं करती थी सांस अब ऐसे ज्यादा भी जहां भी तो है जो पढ़ने को आलम के दार है राजा राजी को है जो पढ़ने को आलम के दार है अब घोड़ा भी जहां Yeah.
सकते थे जो आज भी जगदीश साहब के बारे में लिखा हमारे कब क्रम में क्या उनका विषय हमें लिखा क्या माँ बेमानिका में सिद्धरा बेसुमारी पूरे सिंगार के लाभ इन बात इन बात बहुत बहुत किया पढ़ने का उस लेकिन इन लफ्जों को रखने के लिए खुदा पता नहीं सौ जबीर ने जिस तरीके से मिसरे रखे सबसे पहले मैं तो एक ही मिसरा अपनी साहब का पढ़ूंगा आपके लिए कि बादल बोल दबा के जबा को मजा मिले ये मिसरे रखने जाते हैं आपने कहा कि हजरत अली असगर की शहादत को सुनने के बाद कोई मजहब ऐसा नहीं है जो इंसानियत के लिए इमाम हुसैन के बड़े नाम है हजरत अली असगर के लिए एक बैठ मैं निरवीस की और एक बैठ मिर्जा जमीर की पेश कर रहा हूँ और उसके बाद मैं मेहमानों की तरफ चलूंगा सुबह अली साहब का एक बैठ देखिए आपने हमारे लिए एक निशान रशीद किया हूँ उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं उस पर बहुत प्यारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा हाल है नेक्स्ट वक्त मैं पेश कर रहा हूँ एक बैठ देखिए कि इमाम हुसैन हजरत अली असगर को शबे आशूरा अपनी आवाज में लिए हुए हैं बस आपसे गुफ्तगू करके आए हैं सुबह की तैयारी है और अपने आप को शहीद को तैयार कर रहे हैं वन मैन आर्मी जिनको मैं शुरू से कहता आया हूँ फिर
فقہ جعفریہ کی قیادت کرنے والی ایسی شخصیت جنہوں نے شیعہ کالج کو یونیورسٹی سے لگایا ہے جناب آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ ایسی شخصیتوں کے بیچ میں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. دراصل کچھ موضوع پر یاسر بھائی سے بات کی ہے لیکن ذکر لگا ہوا ہے 10 مارچ کا. ہمیں لڑکوں میں مرثیہ خان کے لیے ایک پلان لائے لیکن 10 مارچ تک ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ شہر میں ہم لوگوں سے بات سمجھ لیجیے. ان شاء اللہ ہماری کمیٹی اسی حال میں 10 مارچ کے بعد ایک عظیم الشان کانفرنس کرے گی. ایک عظیم الشان پروگرام ہوگا. فی الحال 10 مارچ تک کے لیے معافی چاہتا ہوں. دیکھیں مختصر پڑھ کے رلا دینے کا بھی سامان ہوتا ہے اور مختصر پڑھ کے ہنسا دینے کا بھی اللہ مرضی والا کوئی پتا ہے. اس لیے کہ ہمیں مرضیوں نے سب کچھ ادا کیا ہے کا بھی سلیمہ کا میزا سکتا ہے اور ایک میزا کے فوراً آپ ہنسا کیسے جاتا ہے یہ بھی دنیا ہمیں سے سیکھے اس سے زیادہ پتا ہم نہیں کر سکتا. آئیے اب چلتے ہیں سیفی کا جو مزہ ہے نا یہ مرضی میں جو تعداد چلتی ہے سیف وہ اسی سے ہوتا ہے. مرزا امیر کا بل پیش کرتا ہوں. اٹھتی تھی وہ تنوں سے زمین پاٹ پاٹ کے پانی پیے رویتی کو ہر کھاٹ کھاٹ کے پانی پیے رویتی کو ہر کھاٹ کھاٹ کے اٹھتی تھی وہ تنوں سے زمین پاٹ پاٹ کے تب اور بڑھ گیا تلب چاٹ چاٹ کے میدان کر دیا تھا گلے چاٹ کاٹ کے پی پی کے میں کچھوں دیکھا ہے اور بہت شاندار
मेरे बड़े भाई जो यही लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ मोहब्बत की तकदीर कहा जाता है, यहाँ अदब की तकदीर भी कहते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के वासी तहजीब के नाम से मशहूर है। ऐसे हमारे मित्र बड़े भाई जो फखरुद्दीन अली कमेटी के चेयरमैन हैं, तो जैनी साहब मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ मंच पर बैठे तमाम अभी बहुत ही अच्छी मसिया पढ़ रहे थे और पूरे मोहब्बत पूरे माहौल एक जोश पैदा कर दिया था। मैं उनका नाम तो यहाँ बैठे काफी लोग हैं, माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि हाँ साहब क्योंकि नाम में सबका लगता तो नहीं लग रहा है कि जब जो हम लोग जिस मकसद से आए हैं तो मकसद हमारा अधूरा लग जाएगा। जिन महान लोगों को सुनने के लिए आए हैं तो उससे हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। बस मैं अपनी बात को, क्योंकि अभी हमारे पूर्व जैदी साहब ने कहा कि 10 तारीख के बाद यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे, भाई इनके पास फंड है, इनके पास पैसा है, ये पैसे वाले लोग हैं। है असल में तरह से काटा अमर के खाल को उंगली दिखते हैं।
حج سے، تو میرے نبی کی ایک یہ قدم اعجاز ہے، میرے نبی کا دین اعجاز ہے، میرے نبی کی حیات اعجاز ہے، میرے نبی کا قرآن اعجاز ہے، میرے نبی کا خاندان اعجاز ہے، اور میرے نبی کا جو خطیب ہو جائے وہ بھی اجازت کا ہوتا ہے۔ خطیب اکبر کے فکری اور ربی اللہ اجازت کے ساتھ چل جد شیر، چچا شیر،
در سے کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کے قصر سے نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر کرتے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر یوں اگر مولانا یا شیعہ ڈگری کالج
कुछ ऐसा मंसूबा बनाया था कि ये दोनों मदारात जो हैं इनकी देख रेख हो सके, इनकी तरकीन कार्य सफरा रसूलदार कार्य। देखिए पहले मसूद हसन रिजवी रफी साहब ने काफ़ी काम किया, उसके बाद डॉक्टर तालिब सादिक साहब ने, बाद में थोड़ी सफाई कुताई का मरहूम बता रिजवी साहब ने भी किया। लेकिन आपकी बहुत अच्छी बात है कि अगर शिया का है उसे अपने तहवील में लेंगे और जो उनके खानदान वाले हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देखिए ये मीर नाम लेकिन मीर अली आवामी शायर है या किसी के खानदानी शायर नहीं है कि ये मेरे बाप दादा है। बहुत अच्छी बात है। Yeah.
प्रदेश का पाय सुगम है, लफ्जों के कबीले को यह प्यासा नहीं लगता। पेश करने के लिए चूंकि शायर जनाब इजाज़ साहब मेरे उस्ताद हैं,
इमारत का तामीर का और उसकी मरम्मत का और देखते कमीशन है अशफाक भाई के साथ रहा करें के साथ करें से उनके वारिशों से बात करें लेकिन जब हमारा तय हो जाए तो वैसे मजदूर इस अदब को तालीम को भी आप अपने साथ जरूर रखिएगा इसलिए कि इन्हीं के रफों की चुटियाँ सीधी करके हमने लोगों को टाकने का वादा किया है मैं मक्का पेश कर रहा हूँ सलाम कर ले मदारे अनीस को नजर सलाम कर ले मदारे अनीस को नजर या आसमान बना देते हैं जमीनों को सलाम कर ले मदारे अनीस को नजर या आसमान बना देते हैं जमीनों को और जब वीर को भी खराए में तक पेश कर दूंगे एक पता नहीं कर देगा सलाम को सलाम को याद रखकर कहाँ कहाँ होगा जो सलाम है उस लतीफ में वो शाकाह सलाम है नन्ना नन्नू हो गया अब नहीं अब ये मैं शेर पेश कर दे रहा हूँ मक्का के वो छपेगा छपेगा मतलब नबी पे भी एक मकाला और फिर हदीस पे भी एक मकाला मैंने दो मकाले उस किताब में होंगे लेकिन किस वक्त का पता अगर शोभा उर्दू शिया कॉलेज की जानिब से जनाब डॉक्टर नाजिम साहब को आपने एडशिप दी है बहुत मुबारक आपने लायक तालिबिन को चुना है जो आपका शिया कॉलेज का तालिबिन था वो आज सदर शोभा है यदि यही के साथ मैं एक बात चाहूंगा कि आपको तालियां बजाने के लिए कि 100 साल से ज्यादा इमाम तालीम के लिए जाते थे वो शिया कॉलेज को गए और 200 साल से ज्यादा उन्हें मिर्जी और मिर्जा नबी को मगर ऐसा लगा है कि मिर्जा नबी सभी में बैठे हो मिर्जा नबी में नहीं कहीं मौजूद है और शिया कॉलेज वैसे ही कदर काफा बना होता है ये शहर की शान है तो मैं एक नौते के साथ इजाजत मांगूंगा आपको बुलाऊंगा मक्का करता हूँ कि गोशे भी दे दिए हैं जमीन तबीर ने गोशे भी दे दिए हैं जमीन तबीर ने वरना उलान करता मैं नहीं यार कहाँ कहाँ वरना उलान करता मैं नहीं यार कहाँ कहाँ आइए खुदा के सत्ता मेरे तीन सौ रुपया तबीर को खराब करने के लिए करने के लिए तशीफ आ रहे हैं शायद बैर पुस्तानी असादा जनाब के जहाँ सदी साहब वो कलाम पेश करें फिर तो मकाल या मकाल अपने मर्जियों से मकसद देश के
انسانی مقام کے حوالے سے بہت کی بہت کی بہت زیادہ میں Thank you.
ऐसा कोई पत्र नहीं मिलता मुझे, ऐसी कोई शायरी नहीं मिलती मुश्तबा देखी मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं, ये सारे माधो के सारे रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, लखनऊ की सारी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, उनके लिए बंद मैंने पेश किया और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुर्शीद रजा साहब के हिसाब से। और मुझे लग रहा है कि ये लखनऊ में है और लखनऊ के हैं इसलिए कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर निकाल के जिसमें इस दुर्हाय भगवत को दामन वक्त की गुरबत में समायोजित किया जा सके। Thank you.
लेकिन अगर आपको अभी पढ़ना है एक सफे की तरफीस पहले लिख लीजिए ताकि आधा वक्त जो ये छोड़ रहा हूँ मैंने नहीं जाता है इसकी जरूरत ना पड़े इतना देने की तरबियत का भी मौका और अपने बच्चों से कहूँगा दोस्तों से नहीं दूसरी बात यह कि अगर आपको टीचर बनना है तो फिर कुछ ना कुछ जबान से गुफ्तगू करने का शौक आना चाहिए तो वो आपके जहन में होना चाहिए और उस पर गुफ्तगू की शक्ल में छोटे घंटे आप समझ सके ये बहुत सारी मैं तो बहुत सारा बात ये कह रहा हूँ ताकि तरबियत भी हमारे यहीं से होती है और ऐसे ही मिर्जा तबीर के जमाने में 13वीं तारीख की मजलिस थी और मजमा जो है वो लखनऊ का खात्मा हो रहा था मिर्जा साहब के बल पे जा चुके थे तकातम और काफूर के झगड़े हो रहे थे वहाँ पहले मैं कर देता है ऐसे में उन्होंने तिब्बतीय प्रभारी एक प्रभारी को पेश करता हूँ दरियाए बिल्कुल कड़ी माहौल था मिर्जा तबीर को बहुत प्रभारी एक को पेश करना लखनऊ में मौका मैं होता है देखिए दरियाए सवाब में तलाकुम कैसा इस प्रभारी से मसला हल कर दिया दरियाए सवाब में तलाकुम कैसा मजलिस के तहफ्फुज़ तकद्दुम कैसा बेदा है गुबार अश्क बारों के लिए पानी मौजूद है तयम्मुम कैसा पानी मौजूद है तलाकुम कैसा हमारा काम ये है आज के इस सेमिनार के सदर और सेमिनार के सदर की नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शिया पीली कॉलेज के सदर प्रोफेसर रजीत टंडन साहब को और उससे गुजारिश करेंगे कि बहसियत सदर आप तरफ की मेहमान इशार फरमाए और आप भी दानिश्वर हैं अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और उर्दू के अजीम शायर हैं और हमारे सदर हैं और लिहाज से सदर हैं तो उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और उसके बाद अवार्ड हो जाएगा आप लोग आपके दिल्ली के अंदर
मैंने दोनों की खिदमत के सिलसिले में कुछ बातें लिखी थी एक मकाले में, उसके चंद जुमले में आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। तो ये है कि सच बात तो ये है कि मेरी मनीष और मिर्जा रबी ने अपनी फरिशाही के जरिए खिदमत मोहम्मद शाह को कहा किया है और अपने फिल्म के बाद आपके यार का ऐसा पूछन आरासा किया है जिसमें सनाए अली बैत के बुलबुल के जहार उनके अशार से ये अंदाजा होता है कि वो इसके बराए के शनार और गले शर्मी को चप्पर की गलागर लफ्ज है और तालीमा के अली से आरास्ता है। दोनों सदान मुकदस मौजर घराने के बारे में कदम रखा तो ये तो होती है मजहबी चहलवहल थी और इनकी एक साथ बेदार था इमाम को निशान की रोशनी थी उनको तबका था जल्दिया थी मोहब्बत आल मोहब्बत रुपये में सराय किए हुए थी। ऐसी फिजाओं में दोनों सरकार ने परवान चढ़े मिर्जा रफी ने मिलीस के मिर्जा रफी की मिलीस के खिलाफ लेकर मुतासिर से और नफीस के मदे पर मिर्जा रफी ने भी शेर भी लिखा है कि हम मर गए नफीस के मदे से तबीर जिंदगी का लुत्फ हो गया उस इससे भी अंदाजा होता है कि नफीस और मिर्जा रफी में कैसी मिलावट के साथ साथ थी और कैसा रिलेशन था। उसी बात को मुझे बहुत ज़्यादा कहने की मैं हर जगह कहता नहीं रहता हूँ इसी को बड़ा असर हुआ। उर्दू जबान को अच्छी तरीके से समझना है और बोलना है लिखना है तो सबसे जरूरी है कि आप मीरनीस और मिर्जा रफी के बंदों को अगर आप इसको पढ़े तो आप काफी उर्दू अच्छी हो सकती है। मेरे दोस्त कहा करते थे कि मुझे कुछ नहीं आता था मैं जो इतनी उर्दू लिख लेता हूँ बोल लेता हूँ उसे मर्सिया में पढ़ता था। मेरे वालिदैन ने कहा कि आए मर्सिया पढ़ा दो और पढ़ोगे तो उर्दू जबान बहुत साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीरनीस का जो मर्सिया पढ़ता हूँ उसके ऐसे ऐसे बंद हैं कि अभी आपने लोगों से सुने भी कहते कहते लेकिन मुझे बहुत इस सब बहुत याद आ रहे हैं। एक तो ये जो मीरनीस ने मर्सिया पर लिखा था मुझे हमेशा की ओर रवायत के लिखा आशा से होकर निर्माण करवाला है।
ये है कि लाला जुबान अनीस की मुमकिन नहीं अजीम, लाला जुबान अनीस की मुमकिन नहीं अजीम, खुलती नहीं जुबान खुदाए सुखन के साथ। आप अपना सवाल किया अपना अपना
सुनील साहब किसका सुनील साहब किसका भी नहीं मौजूद है तो बाबा जरा बहन नाम जरा आप लोग सलाम करने के बाद आप लोग जरा बहन सर सही कहा अल्लाह
अमीरी साहब, अफसर अमीरी साहब ने और शायद Thank you.
आप रात